योग संस्कृत धातु युज से निकला है, जिसका मतलब है व्यक्तिगत चेतना या आत्मा का सार्वभौमिक चेतना। योग और ध्यान भारतीय ज्ञान की 5000 वर्ष पुरानी शैली है, जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। योग आज के समय में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। शरीर, मन और मस्तिष्क को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने के लिए पूरी दुनिया में योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सदियों से भारत के योगी योग को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में भ्रमण करते रहे हैं, जिससे योग की हर जगह पहचान हो सके। वहीं कुछ देशों में कई ऐसे विदेशी योग गुरु हैं जिन्होंने खुद तो योग को अपनाया, साथ ही इसका प्रचार हर जगह किया। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं दुनिया के सबसे पुराने योग शिक्षकों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कृष्णा पट्टाभी जोइस कई प्रसिद्ध योगाचार्य में से एक हैं, जिन्हें 20वीं शताब्दी के दौरान भारत से पश्चिम तक योग फैलाने में मदद करने का श्रेय दिया जाता है। जोइस को अष्टांग योग को लोकप्रिय बनाने के लिए भी जाना जाता है। इनका जन्म 26 जुलाई 1915 को दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के कौशिका गाँव में हुआ था। 1927 में 12 साल की उम्र में जोइस ने तिरुमलाई कृष्णमाचार्य के एक व्याख्यान और प्रदर्शन में भाग लिया और अगले दिन उनके छात्र बन गए। 1930 में जोइस 2 रुपये लेकर संस्कृत पढ़ने के लिए घर से मैसूर भाग गए। जोइस ने 2 साल तक श्री कृष्णमाचार्य के अधीन अध्ययन किया और 1937 में योग सिखाना शुरू किया। 1948 में उन्होंने मैसूर में अष्टांग योग अनुसंधान संस्था की स्थापना की, जो आजकल कृष्ण पट्टाभी जोइस अष्टांग योग संस्था के नाम से विख्यात है। वेरा पाले। फ्लोरिडा की 91 साल की वेरा पाले 50 साल से योग कर रही हैं और 1982 से योग सिखा रही हैं। उनकी खासियत है कुर्सी योग, जिसे वह अल्जाइमर और डिमेंशिया से पीड़ित सीनियर्स को सिखाती हैं। उनका कहना है कि योग उन्हें स्वस्थ रखता है। उन्होंने 2004 में अपनी कुर्सी योग तकनीकों को सिखाने के लिए एक DVD भी बनाई थी। आखिरी बार 2015 में जब उनका इंटरव्यू हुआ था, तब वह 95 वर्ष की थीं। उन्होंने कहा कि उनका कभी भी योग को रोकने का कोई इरादा नहीं था। BKS अयंगर। वेलूर कृष्णमचारी सुंदर राज अयंगर एक विश्व प्रसिद्ध योग गुरु थे, जो कर्नाटक के वेलूर में 1918 में पैदा हुए। उन्होंने अयंगर योग की स्थापना की तथा इसे संपूर्ण विश्व में मशहूर बनाया। सन 2002 में भारत सरकार द्वारा उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से तथा 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। टाइम पत्रिका ने 2004 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में उनका नाम शामिल किया था। अयंगर ने जिन लोगों को योग सिखाया, उनमें जिद्दू कृष्णमूर्ति, जयप्रकाश नारायण, यहूदी मेनुहीन जैसे नाम शामिल हैं। आधुनिक ऋषि के रूप में विख्यात अयंगर ने विभिन्न देशों में अपने संस्था की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की। यूरोप में योग फैलाने में वे सबसे आगे थे। वी नानामल देश की पुरानी योग शिक्षिका हैं। नानामल का जन्म भारत के कोयम्बटूर तमिलनाडु के जमीन कलियापुरम में एक कृषि परिवार में हुआ था। नानामल की उम्र 99 साल है और इस उम्र में भी वो हर रोज योग करती हैं। हैरानी की बात यह है कि इस उम्र में भी वे 20 से ज़्यादा आसनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लेती हैं। 99 वर्षीय योग शिक्षिका, जिन्होंने 45 वर्षों में 10 लाख छात्रों को प्रशिक्षित किया है और 100 छात्रों को रोज योग सिखाती हैं। उनके 600 छात्र दुनिया भर में योग प्रशिक्षक बन गए हैं। उनके काम को 2016 में भारत के राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2018 में देश के 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ताओ पोर्चोन लिंच। ये हैं 97 साल की ताओ पोर्चोन लिंच, जो कि दुनिया की सबसे उम्रदराज योग का खिताब पा चुकी हैं। साथ ही इनका नाम गिनीज बुक में भी शामिल किया जा चुका है, जो कि आज भी न्यूयॉर्क के वेचेस्टर्स में 400 से ज़्यादा लोगों को योग सिखाती हैं। इनका जन्म 13 अगस्त 1918 को पांडिचेरी, फ्रेंच भारत में हुआ था। ताओ पोर्चोन लिंच के जीवन की कहानी एक फिल्म से कम नहीं है। इन्होंने हाल ही में अपनी बायोग्राफी लिखी है। यह योग टीचर होने से पहले एक मॉडल और अभिनेत्री थी, जो कि लनवी चैनल नामक ब्रांड के लिए काम करती थी। 1967 में उन्होंने अपने अभिनय करियर को छोड़ दिया और पूरी तरह योगी बनने का फैसला किया। पोर्चोन लिंच प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेताओं को योग सिखाने के लिए जानी जाती हैं। इडा हर्बर्ट।
अधिकांश योग शिक्षक अपने पूरे जीवन योग का अभ्यास करते रहे हैं और यही कारण है कि इसने उन्हें स्वस्थ बनाए रखा है। द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार 96 वर्षीय इडा हर्बर्ट को दुनिया के सबसे पुराने योग प्रशिक्षक के लिए नामित किया गया था। उन्होंने 50 वर्ष की उम्र में योग करने के बाद भी योग करना जारी रखा। उन्होंने एक महिला को योग करते हुए देखा और उसे जानने के लिए उत्सुक हो गई और फिर इसे करना शुरू कर दिया। वह 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के समूह को योग सिखाती हैं। ये महिलाएं वास्तव में खुद को इडा की लड़कियां कहती हैं। इडा हर्बर्ट को 2012 में उनकी उपलब्धियों के लिए पहचाना गया जब वह 96 वर्ष की थी। कोनी डेनिसन 2013 में कोनी डेनिसन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा 98 साल की उम्र में दुनिया के सबसे पुराने योग शिक्षक के रूप में मान्यता दी गई थी। डेनिसन को पहली बार 1965 के आसपास योग के लिए बुलाया गया था जब वह मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी। हालांकि उस समय पश्चिमी दुनिया में योग के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उन्होंने ट्राम पर महिलाओं को योग करते हुए देखा था। वहीं से डेनिसन को तुरंत योग से लगाव हो गया। वह स्कॉटलैंड से लौटने के बाद 1970 में अपने स्थानीय चर्च में योग सिखाना शुरू किया। उनके परिवार की चार पीढ़ियां वर्तमान में योगाभ्यास करती हैं। श्री तिरुमलाई कृष्णमाचार्य तिरुमलाई कृष्णमाचार्य भारत के योग गुरु, आयुर्वेद के वैद्य तथा विद्वान थे। उन्हें प्रायः आधुनिक योग का जनक कहा जाता है। कृष्णमाचार्य का जन्म 18 नवंबर 1888 को दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित मुचुकुंदपुरा में एक रूढ़िवादी अयंगर परिवार में हुआ था। श्री कृष्णमाचार्य ने अपनी प्रारंभिक अवस्था में अपनी विद्या और योग शिक्षा दोनों को जारी रखा। 1920 के दशक के मध्य के आसपास श्री कृष्णमाचार्य ने मैसूर पैलेस में योग सिखाना शुरू किया। उन्होंने कई प्रदर्शन किए और योग में जनता की रुचि को बढ़ाया। श्री कृष्णमाचार्य ने योग की शिक्षा तब तक जारी रखी जब तक कि वे कोमा में नहीं चले गए और 1989 में उनकी मृत्यु हो गई। श्री कृष्णमाचार्य के सर्वश्रेष्ठ छात्र भी प्रसिद्ध योग शिक्षक बन गए। इंदिरा देवी मूल रूप से रूस से ताल्लुक रखने वाली इंदिरा देवी का असली नाम यूजीन वी पीटरसन था, जो दुनिया की सबसे बुजुर्ग योग शिक्षिका थी। इनका जन्म 12 मई 1899 को रीगा रूसी साम्राज्य में यूजिनी पीटरसन के रूप में हुआ था। भारतीय संस्कृत से प्रभावित होकर वे 1927 में भारत आईं और यहां उन्होंने तिरुमलाई कृष्णमाचार्य के नेतृत्व में योग का प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1938 में वे योग सीखने वाली पहली विदेशी महिला बनी। उन्होंने अमेरिका, वियतनाम, रूस, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको आदि देशों में योग का प्रचार प्रसार किया। उन्हें भारत में योग सिखाने और इस विषय पर एक किताब लिखने वाला पहला पश्चिमी माना जाता है। उन्होंने 1953 में कानूनी तौर पर अपना नाम बदलकर इंदिरा देवी कर लिया। 2002 में 102 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।